राष्ट्रपति के चुनाव होने हैं और तिथि की भी घोषणा हो गई है, लेकिन बिहार से भी यह आवाज़ उठ रहा है कि बिहार के मुखिया नीतीश कुमार को राष्ट्रपति पद पर बैठाना चाहिए। बात करते हैं कि आखिरकार आरजेडी का क्या स्टैंड है इस पर, आरजेडी क्या चाहती है, नीतीश कुमार राष्ट्रपति के दावेदार हैं क्या आपको लगता है? अब देखिए, ये अभी कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन चर्चाएं चल रही हैं। इसके पहले भी चर्चा हुई थी कि आदरणीय नीतीश कुमार जी राष्ट्रपति के उम्मीदवार होंगे, लेकिन खुद ही माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी ने इस पर विराम लगा दिया था। उन्होंने कहा कि हम इसमें रेस में नहीं हैं। और कल भी जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन बाबू ने स्पष्ट कर दिया कि मुख्यमंत्री जी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार नहीं होंगे, तो ये चर्चा पर ही विराम लग गया। वैसे हम लोग तो एक बिहारी होने के नाते अगर कोई बिहार का राष्ट्रपति होंगे तो सब लोगों को, बिहारी जो होंगे उनको खुशी होगी, हम लोगों को भी खुशी हो, लेकिन हम लोगों ने तो पहले ही कहा कि विपक्ष की तरफ से कैंडिडेट खड़े होंगे नीतीश कुमार राष्ट्रपति। हम कह रहे हैं कि विपक्ष की ओर से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होंगे कि सत्ता पक्ष से, ये तो हमारे पार्टी के नेतृत्व, हमारे पार्टी के नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी श्री तेजस्वी यादव जी तय करेंगे, सभी विपक्षी पार्टियों से मिल करके राष्ट्रपति का चुनाव है, कोई ये चुनाव तो है नहीं जो, तो इसमें सब लोगों की रणनीति बनती है, सत्ता पक्ष का विपक्ष का, और वो जो उम्मीदवार होंगे तो उस पर तो फाइनली लोग अपना जोर शोर से लगेंगे कि हमारा उम्मीदवार विजयी हो। आज भी अगर देखेंगे तो विपक्षी पार्टियों की संख्या जितनी वोट होनी चाहिए वो विपक्ष पार्टियों के पास ज़्यादा है, अगर सेंधमारी ना हो तो इसलिए ये भी है कि आप लोग हमेशा दावा करते हैं कि सरकार बना लेंगे, लालू यादव आए, लालू यादव एक्टिव मोड में भी हैं, कल बर्थडे भी मनाएं, सरकार बनेगी आप लोग की? देखिए, सरकार कब बनेगी, क्या होगी, कैसे बनेगी, इन सब चीज़ों पर नहीं जा करके, इतना तो आप जान लीजिए कि सरकार के अंदर खाने ऑल इज वेल नहीं है, और हम एक जिम्मेवार विपक्ष होने के नाते जनता ने जो जिम्मेवारी दी है उसका निर्वहन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि राजनीति में किसी भी समय कुछ भी हो सकता है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है। वैसे भी सत्ता तो सौंपी थी जनता ने तेजस्वी यादव जी को, महागठबंधन को, लेकिन खेला कुछ और हुआ, तो अब उस खेला जो करके लोग सत्ता में आने से तेजस्वी यादव जी को रोके, उसका परिणाम भी वही होगा। तो इसलिए अब इतना समझ लीजिए कि सत्ता की नहीं, जनता की चिंता तेजस्वी यादव जी को है, सत्ता में रहें या विपक्ष में रहें, जनता की कसौटी पर खड़े उतरेंगे, जनता के लिए लड़ते रहेंगे। MLC के चुनाव भी होने हैं, कांग्रेस भी लग रहा है अलग हो गई है। MLC के चुनाव में अब तो कांग्रेस पार्टी ने स्पष्ट कर दिया कि वो उम्मीदवार नहीं उतारेगी, अब तो कहीं कुछ बचा नहीं, कह रही है कि साथ नहीं है। भाई देखिए, कांग्रेस पार्टी महागठबंधन है, अब कांग्रेस पार्टी तो एक तय करना है कि महागठबंधन में रहेंगे या नहीं रहेंगे, लेकिन हमारे विचारों से कांग्रेस सहमत है, कांग्रेस पार्टी के साथ हमारा वैचारिक गठबंधन रहा है, राष्ट्रीय स्तर पर सब दिन आदरणीय लालू प्रसाद जी कांग्रेस का समर्थन किए हैं, कांग्रेस पार्टी भी बिहार में ठीक है कि चुनाव में, उपचुनाव में दो सीटों पर जब हुए तो कांग्रेस पार्टी ने गलत निर्णय लिया और वो बाहर हो गई, लेकिन फिर भी कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, सारे विपक्ष की पार्टियां तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में, आपने देखा था कि जातीय जनगणना के सवाल पर जब बैठक हुई सब लोग साथ आए थे, तो सारे विपक्ष के लोग, जितनी संख्या है, सारे लोग तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में खड़े हैं। चलिए, बिहार में जिस तरीके से MLC चुनाव, राष्ट्रपति के चुनाव और
जो बातें कही जा रही है कि नीतीश कुमार राष्ट्रपति बनेंगे, बिहार में भी लगातार ये दावा किया जा रहा था आरजेडी की तरफ से कि सरकार बना लेंगे, लेकिन तमाम सवालों के जवाब आपने सुने। मनीष फाउंडेशन के साथ नमस्कार।